हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आपको गाइस पता ही है कि हम क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे डायरेक्शन के। तो आज पार्ट सेकंड एंड क्लास सेकंड, या बोल सकते हैं लेक्चर सेकंड करेंगे। कल जो नेक्स्ट या पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने क्या देखा था, बेसिक डिस्कस किया था कुछ डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सब डायरेक्शन क्या होती है, कितना इनके बीच में एंगल बनता है। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे, जिसमें मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आई हूँ आप सभी के लिए। तो आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन ट्राई करनी है। तो एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है, वो ट्राई करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने फर्स्ट क्लास में समझा था वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके ओके गाइस, तो सबसे पहले ये क्लास किसकी है रहेगी, डायरेक्शन की रहेगी, और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रही हैं बच्चे, मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर रही हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन हर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें एक डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज हम डायरेक्शन का पार्ट सेकंड, या बोल सकते हैं क्लास सेकंड करेंगे। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं, या मैं दे देती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जो है आरजू शर्मा है, एंड 3 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और मैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीच करती हूँ। मैं लो भी टीच करती हूँ क्लैट के लिए, और जो आपने सुना ही होगा अनअकैडमी एक ऐप है, उसमें मैं स्टार एंड वेरीफाइड एजुकेटर रह चुकी हूँ। और जो हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एसेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रेजेंट कर रहा है ये सैनिक स्कूल के लिए स्पेशल क्लासेस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जान लेते हैं क्या रहने वाला है आज का टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट। ओके ओके गाइस, तो डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहले हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया था, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और जो बच्चे आज नई वीडियो को देख रहे हैं, नए तौर से वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया था कि फोर डायरेक्शन होती है एंड फोर सब डायरेक्शन होती है। सब डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन के बीच की डायरेक्शन निकलती है, उसे सब डायरेक्शन बोला जाता है। जैसे कि हमें पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, एक बार मेरे से क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि हम ये जो डायग्राम बनाते हैं, इसमें ईस्ट को यहीं क्यों लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ को यहाँ क्यों लेते हैं, वेस्ट को यहाँ क्यों लेते हैं। तो आपको समझा दूं कि वैसे तो ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लेते हैं, और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ताकि हम पजल ना हो जाए, हम इसी तरीके से ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ साउथ लेते हैं। ओके, तो आपको जब भी कोई डायग्राम बनाना है, डायग्राम के थ्रू कोई क्वेश्चन सोल्व करना है कि ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, तो आप इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे, ना कि ईस्ट को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, हमने सब डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ा था। सब डायरेक्शन कौन सी होती है, जो बीच की डायरेक्शंस होती है उनको क्या बोला जाता है, सब डायरेक्शन। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है, उसे क्या बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। और वेस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन होती है, उसे क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट बोला जाता है। इसी तरीके से नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, उसे क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। तो आपको मे भी पता चल गया होगा, डायरेक्शंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्लास थी उसके बारे, उसमें भी मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था डायरेक्शन के बारे में। अब अगर पूछा जाए तो इनके बीच में एंगल कितना बनता है, तो एंगल के बारे में पूछेंगे तो कौन सा एंगल बनता है, जो सब डायरेक्शन होती है उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जो मेन डायरेक्शन होती है उनके बीच में कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। और एक क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मूव करना भी बताया था। अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो कौन सी साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो कौन सी साइड जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा में जाएगा वो। ठीक है, ऐसे अगर वो बोल दे कि वो साउथ की तरफ जा रहा है और अपनी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेगा, तो कैसे मुड़ेगा वो, ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, और अगर हम बोले कि राइट हैंड साइड मूव करवाना है, राइट हैंड साइड मूव करवाना है मतलब जैसे अपनी क्लॉक चलती है वैसे मूव करवाना है, तो अपनी क्लॉक की जो सुई घूमती है वैसे मूव करवाना है। मान लीजिए अगर अब मैं आपको बोलूं कि ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वो कहाँ मुड़ता है, अपने राइट हैंड साइड मुड़ता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, साउथ डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। ओके ओके गाइस, तो फिर शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी आज की क्लास। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेके आई हूँ, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि फर्स्ट क्लास में इतने टफ क्वेश्चन दे दिए थे हमें, तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो उनके लिए मैं ये क्लास लेके आई हूँ। ठीक है,
आपको ट्राई करना है. मैं क्या कर रही हूँ, रीड आउट कर रही हूँ, आपको ट्राई करना है. क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन भी दिया है. वन डे विकास लेफ्ट होम. एक दिन क्या करता है, विकास अपने घर से निकलता है एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ. क्या करता है, साउथ की तरफ 10 किलोमीटर जाता है. टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर. उसके बाद वो राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है. टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर. फिर दोबारा से राइट मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है. एंड अगेन एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर. फिर लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है. हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम. स्ट्रेट. अगर वो जहाँ से चला था और जहाँ पहुँच चुका है, वो कहाँ से चला था, अपने घर से चला था और एक पॉइंट पे पहुँचा है, अगर उस पॉइंट से वो सीधा अपने घर की तरफ जाए तो उसे कितना किलोमीटर चलना होगा या कितना उसे चलना होगा, ये आपको बताना है. तो ट्राई करिए, फिर सोल्व करते हैं. ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको एक राइट आंसर बताना है. कम ऑन गाइस, ट्राई करेंगे. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. आपने ट्राई कर लिया होगा. देखिए गाइस, क्या है कि एक दिन अपने विकास अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है. तो सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, ऐसा एक डायग्राम बना लेना है. जो बच्चे सैनिक स्कूल से हैं या जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा डायरेक्शन, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, एक कॉपी की साइड में ऐसे एक एरो बना लेना है. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि 10 किलोमीटर कहाँ चलता है, साउथ की तरफ चलता है. ठीक है, साउथ की तरफ वो चलता है. तो पहले मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से वो चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर कहाँ चलता है, साउथ की तरफ चलता है. उसके बाद उसने क्या दिया है, टर्न राइट. अब राइट हैंड साइड कौन सी होगी, ये आपको बताना है. कहाँ चलता है वो, पहले साउथ की तरफ चलता है. विकास लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर टू वार्ड साउथ. टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर. उसके बाद क्या करता है, राइट टर्न करता है और कितना चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है. ठीक है, सबसे पहले अपने घर से निकलता है और 10 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, फिर टर्न करता है राइट की तरफ और साइकिल करता है कितना, 10 किलोमीटर. अब राइट हैंड साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड होगी. यहाँ से वो कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा, मतलब वेस्ट की तरफ जा रहा है. 10 किलोमीटर के बाद मान लेते हैं वो यहाँ पहुँच गया. यहाँ से फिर वो क्या करता है, दोबारा से राइट टर्न लेता है. अब राइट टर्न लेगा तो कौन सी साइड हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा और कितना चलता है, 10 किलोमीटर. फिर यहाँ से फिर वो क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है. यहाँ से क्या करता है, वो लेफ्ट साइड मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर. तो ये पूरा जो है, अगर हम इसको सही से बनाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे चलाइए, ठीक है, जो कि यहाँ यहाँ पिक में दिखा रखा है, ये ऐसे चलेगा. और इसके अकॉर्डिंग हमें बताना क्या था कि अब जहाँ से वो चला था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहाँ से वो चला था, यहाँ पहुँच चुका है. अगर यहाँ से वो सीधा अपने घर को जाए, क्या करे, यहाँ से वो अपना सीधा अपने घर को जाए तो कितना किलोमीटर चलना होगा. मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना चलना होगा उसको. कमेंट करेंगे और बताएंगे कितना चलना होगा. तो यहाँ से सीधा चलेगा तो 10 ये वाला और 10 ये वाला, कितना किलोमीटर चलना होगा, 20 किलोमीटर. तो 20 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है. सीमा ड्राइव्स 50 मीटर टू वार्ड ईस्ट. सीमा क्या करती है, ईस्ट की तरफ 50 मीटर चलती है. टर्न राइट एंड ड्राइव 65 मीटर. उसके बाद वो राइट मुड़ती है और कितना चलती है, 65 मीटर चलती है. देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न करती है एंड ड्राइव 30 मीटर. वो कितना चलती है, 30 मीटर चलती है. इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ. अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब वो कौन सी दिशा की तरफ अब देख रही है, ये आपको बताना है. ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा. तो देखिए क्या दिया था, सीमा ड्राइव्स 50 मीटर टू वार्ड ईस्ट. सीमा ईस्ट की तरफ 50 मीटर चलती है, ये ईस्ट है, यहाँ क्या करती है वो 50 मीटर चलती है. एंड टर्न राइट, इसके बाद वो क्या करती है, राइट टर्न कर लेती है और कितना चलती है, 65. मतलब राइट टर्न करेगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाएगी अब वो,
साउथ डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी, और फिर वो क्या करती है 65 मीटर चलती है। यहाँ पहुंचकर वो क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है। अब लेफ्ट साइड मतलब दोबारा से ईस्ट साइड चलेगी, कितना 30 मीटर। इन विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग ना, अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है ये आपको बताना था। तो देखिए कौन सी डायरेक्शन में है उसका फेस, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उसका फेस है। ठीक है, पहले वो चली 50 मीटर, फिर उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, और फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, और यहाँ पहुंच गई। यहाँ पहुंच कर वो क्या कर रही है, ईस्ट की तरफ देख रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मे बी क्लियर है। वैसे भी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, पहले क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना है, वीडियो को ऑन करना है और देखना है कैसे कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, कैसे सोल्व किया है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक गर्ल वॉक्स 15 मीटर साउथ, एक जो लड़की है वो 50 मीटर साउथ की तरफ चलती है, देन टर्न टू हिज राइट ही वॉक्स 15 मीटर, उसके बाद वो राइट टर्न करती है और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अपनी लेफ्ट साइड वो मुड़ते हुए ही वॉक्स 25 मीटर, कितना चलती है, 25 मीटर चलती है, अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा से वो लेफ्ट मुड़ती है एंड वॉक्स 15 मीटर, और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजिशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन मतलब जहाँ से वो चली थी और जहाँ पहुँच चुकी है उनके बीच कितनी दूरी है। तो गाइस आंसर करेंगे ए बी सी एंड डी, इनमें से आपको आंसर करना है। आप कुछ भी कर सकते हैं, रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, और डायरेक्शन तो सबसे इंटरेस्टिंग होता है। तो इंटरेस्ट लेते हुए आपको सोल्व करना है और कमेंट करना है कौन सा राइट आंसर होगा। अब आप ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके और हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए गाइस क्या दिया होता है, सबसे पहले जिनको नहीं आता है उनको क्या करना है, ऐसे एरो बना लेने हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ के नाम से। अब दिया क्या है, एक गर्ल्स वॉक 50 मीटर साउथ, 50 मीटर कहाँ चलती है वो, साउथ की तरफ चलती है। ठीक है, तो साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ चलेगी, 15 मीटर साउथ की तरफ चला दिया। फिर उसके बाद वो क्या दे रखा है, देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, फिर वो क्या करती है, राइट मुड़ती है, यहाँ से वो राइट टर्न करेगी मतलब वेस्ट, देन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। तो पहले क्या दे रखा था कि वो 15 मीटर चलती है, फिर यहाँ से वो राइट टर्न लेती है, और फिर दोबारा से वो कितना चलती है, 15 मीटर चलती है, मतलब यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँच के वो क्या करती है, टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, और वो क्या करती है, लेफ्ट की तरफ टर्न करती है और कितना चलती है, 25 मीटर चलती है। ठीक है, अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, उसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न करती है और कितना चलती है, 15 मीटर चलती है। हाउ फार इज सी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल पोजिशन मतलब जहाँ से, यहाँ से वो चली थी और यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ से वो कितनी दूरी पे है। तो हमें पता है कि 15 तो ये चली थी वो, ठीक है, और 25 ये वाले, क्योंकि ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो 25 ये वाले, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो सही से जो डायग्राम दिखाया गया है आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा इसके थ्रू, अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, जो क्लियर डायग्राम दिया गया है, 15 यहाँ से चली थी, फिर 15 वहाँ राइट मुड़ने के बाद, फिर दोबारा से क्या किया था उसने, एक लेफ्ट टर्न लिया था और 25 मीटर चली थी, फिर दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया था और कितने चली थी, 15 मीटर चली थी, अब यहाँ पहुँच चुकी है। तो देखिए 15 ये होगी, 25 ये होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 15 और 5 30 और 10 40, तो 40 मीटर चलेगी वो सीधा, अगर वो क्या करती है, जाती है, तो कितनी दूरी पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से 40 मीटर की दूरी पे। ओके ओके, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, वन मॉर्निंग प्रकाश स्टार्टेड टू वॉक टुवार्ड द सन, एक मॉर्निंग प्रकाश क्या करता है, सन की तरफ चलना शुरू कर देता है, आफ्टर वॉकिंग ए व्हाइल ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वो सुबह सुबह कहाँ जा रहा है, सूरज की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक सम डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस चलता है, अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न करता है, आफ्टर वॉकिंग ए व्हाइल ही अगेन टर्न राइट, उसके बाद वो दोबारा से राइट मुड़ता है एंड वॉक सम डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस चलता है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है, या उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपको बताना है। ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ, इनमें से आपको राइट आंसर देना है।
ट्राई करेंगे एक बार सभी, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा, आपको कमेंट करके बताना है, फिर हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ओके चलो हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वन मॉर्निंग प्रकाश स्टार्टिंग टू वॉक टूवर्ड द सन। एक मॉर्निंग प्रकाश क्या करता है, सन की तरफ चलना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि सुबह का टाइम है और किसकी तरफ चल रहा है, सन की तरफ, मतलब सूरज की तरफ जा रहा है। तो सुबह सन कहाँ होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है ना, तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो चलना शुरू कर देता है। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज लेफ्ट। तो सबसे पहले उसने क्या किया, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ से ले लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और वो क्या, हाँ शुरू चलना शुरू कर देता है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। इस पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है, आफ्टर वॉकिंग ही वाइल ही टर्न टू हिज लेफ्ट, वो लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाता है एंड वॉक सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी चलता है। लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और कुछ डिस्टेंस उसने तय किया मतलब यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद दोबारा से वो क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है, और कितना चलता है, कुछ डिस्टेंस चलता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो क्या करता है, राइट टर्न करता है और कुछ डिस्टेंस चलता है, मतलब फाइनली वो यहाँ पहुंच चुका है। अब उसने पूछा क्या था, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ उसका फेस होगा, तो उसका फेस होगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। एक बार दोबारा से मैं समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले उसने क्या कहा था कि प्रकाश है वो कहाँ जा रहा है, एक मॉर्निंग में चलना शुरू करता है, और वो कहाँ जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो कुछ दूरी चला, फिर उसने क्या क्या किया, कुछ दूरी चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर दोबारा से उसने लेफ्ट टर्न लिया, और यहाँ पहुँच के उसने क्या ले लिया, एक राइट टर्न ले लिया। ठीक है, इस तरीके से वो यहाँ पहुँच चुका है। अब उसका फेस पूछा था कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बट इसमें लॉजिक यही था कि उसने मॉर्निंग दे रखा है और कहाँ जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है, तो ये मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, बस यही लॉजिक था। मॉर्निंग में सन ईस्ट की तरफ होता है, मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वन डे जो है आपको ट्राई करना है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन को ट्राई करके कमेंट करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी ताकि आप इसको सोल्व कर पाए। ट्राई करेंगे एक बार। ओके चलो मैं रीड आउट कर रही हूँ, ठीक है आप ट्राई करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए क्या दिया था, वन डे हाउ मैनी किलोमीटर्स विल सी हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट। तो आपको बताना है कि अगर वो सीधा अपने घर से जाएगा तो उसे कितना चलना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। वन डे क्या करता है कि गौरव अपने घर से निकलता है और 30 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है। तो साउथ साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है, घर से निकला और कहाँ जा रहा है, 30 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएगा। फिर वो क्या करता है, राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है, वो दोबारा से राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। एंड देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। हाउ मैनी किलोमीटर सी या ही, सॉरी ही करिए यहाँ पे, ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट। उसे अपने घर तक सीधा जाने में कितना चलना पड़ेगा, या सीधा अगर वो घर जाता है तो उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसका राइट आंसर होगा 20 किलोमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं
कैसे बनाया गया है, डायग्राम पे यहाँ दिखाया गया है, ये आप मैच कर लीजिए कि आपका भी यही बन रहा है। और 20 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले वो क्या करता है, साउथ की तरफ चलता है 30 किलोमीटर, फिर उसने क्या लिया, राइट रन लिया, और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ पहुँच के फिर वो क्या करता है, दोबारा से राइट रन लेता है और कितना चलता है, 30। फिर यहाँ से लेफ्ट रन लेता है और कितना चलता है, 10। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हमें बताना था, तो वो कितना हो जाएगा, 10 ये वाले और 10 ये वाले, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 किलोमीटर। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आपको अगर मेरी क्लास में मज़ा आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं आप मेरी क्लास को, तो लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे समझ पाए, क्योंकि रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। और आजकल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी है। तो मेरी क्लास कैसी लगी, आरजू शर्मा के साथ आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू ऑल।